दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रकाश टेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि कम्युनिटी टैब जो है किस तरह से पोस्ट किया जाता है और इसे पोस्ट करने से पहले कैसे बनाया जाता है कि ये जो है पूरा बराबर से दिखता है। जी हाँ दोस्तों, कोई कोई ऐसा कम्युनिटी टैब डालते हैं कि उसका कट हो जाता है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ जो है कट जो है नहीं हो रहा है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा तरीके से जो है हमारा जो है कम्युनिटी टैब पोस्ट हो चुका है। तो आपको भी सीखना है तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेना। उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी कर दीजिए प्रेस, ताकि आप हमारे साथ एनी टाइम कनेक्ट रहे और आप हमारे वीडियो देख सकते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों आपको पिक्सल लैब को आपको ओपन कर लेना है। अगर आपके पास पिक्सल लैब एप्लीकेशन नहीं है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको जैसे पिक्सल लैब का डाउनलोड करके ओपन करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो इसको आपको डिलीट कर देना है। इस पर आपको क्लिक करके डिलीट करने के लिए यहाँ ऊपर पे आपको डिलीट का ऑप्शन पर क्लिक करके ओके कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपका जो भी मन करे जिस भी बैकग्राउंड चाहिए आपको यहाँ पे इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है नीचे से। उसके बाद यहाँ पे कलर पर टैप कर लेना है और कलर आप जो यहाँ पे ऊपर में आपको जो है एक कलर मिल जाता है जो भी आप कलर, और यहाँ पर अगर मिक्सिंग कलर चाहिए तो यहाँ पर नीचे पर रेड एंड पर आपको क्लिक करके ले लेना है जो भी आपको लेना है। लेकिन यहाँ पे मैं एक ही कलर ब्लैक वाला ले लेता हूँ और यहाँ पे ओके कर लेता हूँ। दोस्तों कलर आप चूज करने के बाद आपको जो है फ़ोटो ले लेना है जो भी आप कम्युनिटी टैब में लगाना चाहते हैं, सेट करना चाहते हैं। आपने खुद का भी फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, या तो आप कोई थंबनेल बना के रखें वो भी आप सेट कर सकते हैं। तो आपको प्लस के आइकन पर ऊपर में क्लिक कर लेना है। उसके बाद फ्रॉम गैलरी में क्लिक जैसे करेंगे उसके बाद दोस्तों आपका जो है इस तरह का इंटरफेस आपको खुल के आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका कुछ फाइल में है तो यहाँ पे थ्री लाइन पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा जो भी आपका जितना भी सारा फाइल है आपको शो होने लगेगा, तो आपको देख लेना। तो यहाँ पर मैं पहले ही मैं बना के रखा हूँ, तो यहाँ पर मैं टैप कर लेता हूँ। जैसे टैप कर लूँगा यहाँ पर नीचे पर ओके कर लूँगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कम्युनिटी टैब को पकड़ के इसको जो इसको आकार को जो है इस तरह से बड़ा कर लेंगे और बीच में रख देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे ए पर क्लिक करके आपको टेक्स्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको लिख लेना है, यहाँ पे खींच के लाना है और यहाँ पे आपको बड़ा करके फिर से एडिट को ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और क्लिक हेयर लिख लेना है आपको। यहाँ पर जैसा भी आप लिख सकते हैं, ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें ऐसा भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर इमोजी भी दे देते हैं इस वाले ऑप्शन का, ताकि ऊपर तरफ जो है आपको इशारा करें लिंक की तरफ। तो यहाँ पे इस तरह से आपको कर लेना है लिख के, तो देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से जो है क्लिक हेयर हम लिख चुके हैं। और इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, बस यहाँ से आपको सेव कर लेना है और यहाँ पे सेव करने के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और सेव इमेज पर आपको क्लिक करके सेव टू गैलरी में कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है हमारा जो है ये कम्युनिटी टैब जो है सक्सेसफुली सेव हो चुका है गैलरी में। उसके बाद यहाँ से आपको पूरा बैक हो जाना है, यहाँ से आप हमारा जो कम्युनिटी टैब पूरा सक्सेसफुली जो बन के रेडी हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना जो है आपका जो भी वीडियो का आप लिंक मतलब वीडियो का देना चाहते हैं कम्युनिटी टैब में, उसको आपको कॉपी कर लेना है। तो अपना जो है चैनल पर आपको आ जाना है और यहाँ पर योर चैनल पर आ जाना है। उसके बाद आपको कॉपी कर लेना है जिसका भी आप लिंक मतलब देना चाहते हैं कम्युनिटी टैब पर। जैसे कि यहाँ मैं पहले वाला का ही कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर शेयर को ऑप्शन पर क्लिक किया और कॉपी कर लिए और यहाँ पे आपको प्लस आइकन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सबसे नीचे। अगर आपका 1K सब्सक्राइब कंप्लीट हुआ है तभी आएगा, नहीं तो आपका जो है ये वाला जो है आपको नहीं आएगा। यहाँ पर आपको तीन ही ऑप्शन आएगा, यहाँ पर क्रिएट ए पोस्ट का ऑप्शन नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको क्रिएट ए पोस्ट पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लिख लेना है न्यू वीडियो इस तरह का आपको लिख लेना है गाइज। और यहाँ पे कुछ आपको इस तरह कर देना है और जो हम अभी अभी जो कॉपी किए थे लिंक उसको यहाँ पे दबा के रखना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो है कम्युनिटी फ़ोटो वाला जो है यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है और उस यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट कर लेना है। और नेक्स्ट जैसे कर लेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ से और भी फ़ोटो आप यहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको राइट साइड पर दिया हुआ है तो मैं एक ही लगा लेता हूँ और यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। और जैसे पोस्ट कर देंगे दोस्तों यहाँ पे जो हमारा स्टार्ट हो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा जो पोस्ट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं 5 सेकंड में हो चुका है। अभी कोई भी जो भी मतलब देखेगा तो यहाँ पर क्लिक करेगा तो ये जो वीडियो का जो दिखाई देगा। तो इस तरह से दोस्तों बड़ी ही आसानी से आप कम्युनिटी टैब को पोस्ट कर सकते हैं।